गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सभी। हमारा टॉपिक चल रहा है त्रिकोणमित, जिसमें आपको मैंने कल डायरेक्ट जो त्रिभुज से बनते हैं वो ट्रायंगल से जो बनते हैं वो मैंने आपको करवा दी। आज अपन बात करेंगे त्रिकोणमितीय फलन जो सारणी बनती है उसकी बात करेंगे, उससे क्वेश्चन पूछा जाता है। चलो देखो, सारणी को बता दो। देखो दोस्तों, मैंने कल आपको बताया कितने फलन होते हैं, 6 होते हैं। कौन कौन सा? साइन, दूसरा कोस, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा, ये होते। अब इस सारणी से अपन कौन कौन से मान ज्ञात कर सकते हैं दोस्तों? तो इस सारणी से अपन मान जो ज्ञात कर सकते हैं वो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 0, 30, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ये मान अपन इससे ज्ञात कर सकते। अब या तो आप पहली लाइन याद रख लो या फिर अपन निकाल सकते हैं। पहली लाइन कैसे आती है दोस्तों, ऐसे लिखना 0, 1, 2, नीचे लिख के बता दो, 0, 1, 2, 3 और 4, और सभी में 4 का भाग देना है। सभी में किसका भाग देना है? 4 का भाग देना है, सभी में 4 का भाग देना। पहली टाइप है, पहली टाइप क्या दोस्तों कि 0, 1, 2, 3, 4 लिखना है और सभी में 4 का भाग देना है। इसमें 4 का भाग दिया और फिर तीसरी स्टेप इन सभी पर रूट लगाना है दोस्तों, ये होता है। पहले क्या लिखा हमने, 0, 1, 2, 3, 4 और सभी में 4 का भाग दिया। तो यहाँ 0 में 4 का भाग देंगे तो 0 आएगा दोस्तों, यहाँ देखो कट नहीं रहा तो 1 का रूट तो 1 ही होता है दोस्तों, 4 का कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। आगे चलो, रूट 2 से ये कट जाएगा कितनी बार, 2 बार, ऊपर तो 1 है, नीचे रूट 2 होगा। और यहाँ देखो ऊपर रूट 3 हो जाएगा दोस्तों और नीचे 4 का कितना होता है, 2, और यहाँ 1 हो जाएगा। ठीक, ये आपका मान आ गया किसका दोस्तों, साइन का। साइन के पद क्या होते हैं, साइन के पद में ऐसे याद रख सकते हैं आप, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1 आता है दोस्तों। वापस सुनो, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और क्या आता है, 1 आता है। अब इनको उल्टा लिखना है, कोस का मान ज्ञात करने के लिए इनको उल्टा लिख देंगे दोस्तों। उल्टा मतलब इधर लिखेंगे तो ये तो 1 हो जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा दोस्तों, √3/2, यहाँ कितना आएगा, 1/√2 और यहाँ इधर लिखेंगे 1/2 और यहाँ 0। मतलब मैंने इनको क्या लिख दिया, उल्टा लिख दिया दोस्तों। क्या लिख दिया, उल्टा लिख दिया। उल्टा कैसे, पहले आपने साइन के मान निकाले, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। अब मैंने इनको उल्टा लिख दिया, 1, √3/2, 1/√2, 1/2 और 0। अब तीसरा मान आता है टेन का दोस्तों, टेन का पूरे मान ज्ञात करने की आपको आवश्यकता नहीं है, बस ये तीन ही बताऊंगा आपको, तीन ही समझ में आना चाहिए। अब बात आती है टेन की, तो टेन क्या होता है दोस्तों, साइन थीटा बटे कोस थीटा होता है। ये याद रखना कि टेन का जो मान अपन निकालते हैं वो होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा। एक बार ये लिख लो साइड में, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा। मतलब टेन का मान ज्ञात करते हैं तो हमें साइन में किसका भाग देना है, कोस का भाग देना है। साइन में कोस का भाग कब देना है, जब हमें टेन का मान ज्ञात करना है। तो यहां देखो, मतलब मैं इसका मान निकालूंगा तो 0 में 1 का भाग दूंगा तो इन्फिनिटी अनंत आएगी, या 1/2 में और √3/2 का भाग देना दोस्तों, तो ये 2 तो इससे कट जाएगा, क्या बचेगा, 1/√3 बचेगा। ठीक है, इसके बाद में दोस्तों 1/√2 में 1/√2 का भाग दूंगा तो 1 ही आएगा, और अब इसमें भाग दूंगा तो √3 आएगा, यहाँ क्या जाएगा दोस्तों, 0 आ जाएगा। ये आपको बस तीन ही मान ज्ञात करने हैं, बाकी मैं आपको अभी समझाता हूँ, बस आपको ये तीन ही मान ज्ञात करने हैं। ये तीन आपको अच्छे से याद होने चाहिए, सीधा मान पूछा जाता है, इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं आता है त्रिकोणमिति में आपसे, ये डायरेक्ट सारणी में आपसे सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो एक बार ये उतारो फिर मैं आपको आगे समझाता हूँ, उतारो उसको जल्दी, कोई दिक्कत नहीं, 0 लगा लो, अनंत लगा लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो अब आपको बस ये तीन ही याद हो चाहिए, जल्दी उतारो, 0 इधर अनंत कर दो, इधर 0 कर दो, किसी भी 0 में 1 का भाग देते हैं तो 0 आता है दोस्तों, लेकिन 1 में 0 का भाग देते हैं तो
अनंतता। अब देखो, अब आपसे कह दिया जाए दोस्तों, अब मैंने आपको समझा दिया था ये चीज पहले ही, क्या चीज समझाई थी वो देख लो एक बार। मैंने आपको बताया था कि टेन का उल्टा क्या होता है, कोट होता है दोस्तों। टेन का उल्टा क्या होता है, कोट होता है। दूसरा मेरे प्यारे दोस्तों, कोस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है। ये चीज मैंने आपको पहले समझा दी है। और तीसरा क्या है, साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक होता है। अब आपसे यदि पूछ लिया जाए, अब देखो सीधे सीधे सीधा, यदि आपसे पूछ लिया जाए कोसेक 60 का मान, सुनना ध्यान से, यदि आपसे पूछ लिया जाए कोसेक 60 का मान, किसका मान पूछा है, कोसेक 60 का मान पूछा है, तो दोस्तों आपको याद है कि कोसेक किसका उल्टा होता है, साइन का। तो साइन 60 का मान रूट 3 बटा 2 होता है, तो उसका उल्टा हो जाएगा 2 बटा रूट 3। समझ गए क्या ये चीज, ये समझ में गया, वापस समझाता हूं। देखो जैसे आपसे सेक 30 का मान पूछ ले, सेक आपसे सेक 30 का मान पूछ ले, अब हमने जो मान देखे प्यारे दोस्तों वो तो हमने कितने देखे, देखो ध्यान से, हमने जो मान देखे वो साइन कोस और टेन के देखे। तो सेक किसका उल्टा होता है, सेक कोस का, कोस 30 का मान रूट 3 बटा 2 होता है दोस्तों, तो सेक 30 का मान कितना हो जाएगा, 2 बटा रूट 3 हो जाएगा। बोलो अब कर लोगे क्या, बताइए जरा। ओके गुड, वेरी गुड। और देख लो, जैसे आपसे पूछ लिया जाए टेन 45 का मान दोस्तों, कोट 45 का मान, तो कोट 45, कोट का नहीं पूछा, कोट का हमें नहीं निकाला, मान लो हमने टेन का निकाला है, लेकिन टेन का उल्टा आता है दोस्तों, टेन का क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। और टेन का उल्टा क्या हो जाएगा दोस्तों, एक होता है टेन 45 का, तो एक का उल्टा कितना आएगा, एक ही आएगा। अब तो कर लोगे नहीं, चलो अब क्वेश्चन करते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे सीधा, एक क्वेश्चन तो यही पूछा जाता है, और अब एक दो क्वेश्चन और समझाता हूं आपको, अच्छे से करना। देखो पहले मैंने सारणी आपसे बनवाई है कि ध्यान रखना, 0 1/2, सीधा सा लिख सकते हो 1/√2, √3/2, छोटे छोटे लिख सकते हो, और एक फिर यहाँ लिखा है मैंने 1√3/2, या एक, या 1/2, या 0, या 0, या 1/√3, या एक, या रूट तीन, और या अनंत, बस ये चीज है। अब क्वेश्चन लगाते हैं अपन, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखो, पहला क्वेश्चन बताता हूं, देखना ध्यान से। देखो पहला क्वेश्चन, साइन 45 कोस 30 प्लस कोस 45 और साइन 30 का मान क्या होगा, ये क्वेश्चन पूछा। साइन तीस का मान क्या होगा, अब इस क्वेश्चन को देखो, ये समझो, ये दोस्तों साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला, लेकिन फॉर्मूला इतना ज्यादा आपको नहीं जाना, मान आप तो सीधा रखो, ये साइन 75 का मान आ जाएगा। साइन 45 का मान देखो उधर कितना होता है दोस्तों, 1/√2 होता है, सीधा सीधा मान रखो, इंटू कोस 30 का मान क्या होता है दोस्तों, √3/2 होता है। तो इस रूट तीन को एक से गुणा करूंगा तो रूट तीन आएगा, और नीचे दोनों रूट के अंदर नहीं है तो दोस्तों 2√2 आएगा आउ, प्लस कोस 45 का मान उधर देख सकते हो आप 1/2 होता है, और साइन 30 का मान होता है 1/√2, तो दोस्तों प्लस ऊपर तो एक आएगा और नीचे 2√2 आएगा। क्या अपन एलसीएम ले सकते हैं, जी ले सकते हैं, क्या एलसीएम आएगा, 2√2, दोनों में ही 2√2 आ रहा है दोस्तों, 2√2 में 2√2 का भाग देंगे तो एक बार जाएगा, और एक को रूट तीन से गुणा करूंगा तो रूट तीन ही आएगा, प्लस 2√2 में 2√2 का भाग दूंगा तो एक बार, और एक को एक से गुणा करूंगा तो ये आएगा, तो इसका आंसर आ गया √3 + 1/√2, मतलब सीधा सीधा मैंने मान रखा है और कुछ नहीं किया। और करो एक क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखो, इतना ज्यादा नहीं आएगा आपके, आएगा ही नहीं दोस्तों, कोट 45 प्लस कोस 60 का मान ज्ञात करो, ये करो, कोट 45 प्लस कोट 60 का मान, कोट 45 प्लस कोस 60 का मान ज्ञात करो, बताओ आप जल्दी इसका आंसर, अरे थोड़ी बहुत समझ में तो आ रही है तो बताओ आप पहले,
कमेंट करके बताना जरा कि थोड़ी बहुत ये समझ में तो आ रही है क्या। गुड, देखो कोर्ट 45 का मान, दोस्तों कोर्ट 45 का मान तो हमें नहीं पता, लेकिन हमें ये पता कि कोर्ट किसका उल्टा होता है, टेन का। तो टेन 45 का मान एक होता है, तो कोर्ट 45 का मान भी कितना आएगा, एक आएगा। प्लस कोस 60 का मान दोस्तों एक बटा दो, इसको अपन जोड़ेंगे, दो एकम दो और एक तीन बटा दो, तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा, तीन बटा दो। ऐसे करना है, कर लोगे? अब चले अगले क्वेश्चन पर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन और लगाओ, और क्वेश्चन करो। अगला क्वेश्चन देखना दोस्तों, फोर कोस एक 60 माइनस प्लस थ्री टेन 30 और माइनस टू कोट तीस, इसका मान ज्ञात करूंगा। देखता हूं आ रहेगा, समझ में नहीं आया, देखो ध्यान से। चार कोसेक 60 का मान लिखना है बस। कोसेक का मैंने मान नहीं बताया, लेकिन कोसेक किसका उल्टा होता है ये तो मैंने आपको बताया कि कोसेक का वो साइन का उल्टा होता है। तो साइन 60 का मान रूट तीन बटा दो होता है, तो इसका क्या हो जाएगा, दो बटा रूट तीन हो जाएगा। प्लस थ्री टेन 30 का मान दोस्तों कितना होता है, एक बटा रूट तीन होता है। माइनस टू कोट 30 का मान, अब कोट 30 का मान दोस्तों, कोट किसका उल्टा होता है ये आपको बताना चाहिए, कोट किसका उल्टा होता है, साइन का उल्टा होता है दोस्तों, तो सॉरी कोट किसका उल्टा होता है, टेन का। टेन 30 का मान एक बटा रूट तीन होता है, तो कोट का क्या हो जाएगा, रूट तीन बटा एक हो जाएगा। अब ये हो गया चार दूनी आठ बटा रूट तीन, प्लस तीन को एक से गुणा करूंगा तो तीन, तीन बटा रूट तीन, सरलीकरण भी तैयार होता रहेगा यहां से। माइनस दो रूट तीन और इसके बटे में कितना आएगा, एक आएगा। अब अपन क्या लेंगे दोस्तों, एलसीएम लेंगे। अब समझना, अब क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे, और एलसीएम अपन इसका लेंगे तो दोस्तों कितना आएगा, रूट तीन आएगा। रूट तीन में रूट तीन का भाग देंगे, एक बार जाएगा, और एक को आठ से गुणा करूंगा तो कितना आएगा, आठ आएगा। प्लस रूट तीन में रूट तीन का भाग दूंगा, एक बार जाएगा, एक को तीन से गुणा करूंगा तीन आएगा। माइनस दोस्तों रूट तीन में रूट एक का भाग दूंगा, रूट तीन में एक का भाग दूंगा तो रूट तीन बार जाएगा, और रूट तीन को ऊपर गुणा करूंगा, मतलब रूट तीन को दो रूट तीन गुणा रूट तीन आएगा। रूट तीन को रूट तीन से गुणा किया तो तीन हो गया, तीन को दो से गुणा करूंगा तो छह हो जाएगा दोस्तों। ठीक, अब देखो आठ तीन कितने दोस्तों, ग्यारह, ग्यारह में से छह गए तो कितने बचे, पांच बचे, तो पांच बटा रूट तीन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों। पांच बटा रूट तीन बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब एक बार आप उतार लो इसको, चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो दो, अगले क्वेश्चन क्या करता हूं, आ जाएगा दोस्तों समझ में अच्छे से। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, साइन स्क्वायर 30, साइन स्क्वायर 30 प्लस टू कोस 45 माइनस प्लस थ्री साइन क्यूब नब्बे, इसका मान ज्ञात करो। डी रामजीलाल आ जाएगा, देखते रहो, अच्छे से समझना इसको, इसका मान आपको ज्ञात करना है। अब पहले आप करो इसको, मैंने समझा दिया आपको अच्छे से, तो आप कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, एक बार ट्राई करो दोस्तों। देखो साइन 30 का मान, सबसे पहले हमें लगाना है साइन 30 का, तो साइन 30, साइन कितना है दोस्तों, साइन 30 का मान कितना होता है, देख सकते हो 0 30 सॉरी एक बटा दो होता है, एक बटा दो का स्क्वायर करना है, प्लस दो कोस 45, कोस 45 का मान यहां देख सकते हो आप कितना होता है दोस्तों, ये एक बटा रूट दो, सॉरी कोस 45 का मान कितना होता है, एक बटा रूट दो होता है। आगे चलो, प्लस तीन साइन 90, 90 का एक, एक की क्यूब एक की होती है दोस्तों, यहां देखना आप एक का स्क्वायर एक बटे में नीचे चार। आगे देखो यहां दोस्तों दो बटे में रूट दो, क्या इसको अपन काट भी सकते हैं क्या, आप बताओ, काट सकते
कैसे काट सकते हैं दोस्तों, क्योंकि अपन क्या है, दो को लिख सकते हैं दो रूट दो। देखो इसको दो को मैं क्या लिख सकता हूं, रूट दो इंटू रूट दो, और इस एक रूट से ये कट जाएगा, तो ऊपर रूट दो ही लिख सकते हैं इसको दोस्तों, और प्लस में कितना आएगा, तीन बटा एक। अब एलसीएम ले लो कितना आएगा, चार। ये चीज समझना आप ध्यान से, एक बार फिर से समझा देता हूं, दो और बटे में रूट दो है दोस्तों, तो अपन दो को लिख सकते हैं रूट दो गुणा रूट दो। मैंने क्या बताया आपको कि रूट दो गुणा रूट दो मतलब रूट वाली संख्या का स्क्वायर करते तो रूट हट जाता है और नीचे रूट दो आ रहा है, तो इससे तो ये कट गया, एक रूट दो बच गया। तो यहाँ चार में एक चार का भाग दिया, तो एक एक को एक से गुणा करेंगे तो एक दोस्तों, चार में एक का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, चार बार, चार को रूट दो से गुणा करूंगा तो रूट दो, प्लस दोस्तों चार में एक का भाग दूंगा, चार चार तिया बारह। अब देखो बारह और एक तेरह, ये जोड़ सकते अपन, तो तेरह और ये चार रूट दो नहीं जोड़ सकते इसके साथ, और बटे में कितना, चार। ये इसका आंसर दोस्तों, तेरह प्लस चार रूट दो बटा चार। ये ज्यादा कैलकुलेशन का हो गया, इतना ज्यादा कैलकुलेशन आपके एग्जाम में नहीं आएगी। आगे देखो, अब आपसे पूछ लिया जाए कि साइन, ये पूछा जा सकता है कि साइन पाई बाई सिक्स का मान क्या होगा। साइन पाई बाई सिक्स का मान क्या होगा, अब समझना इसको दोस्तों, कि साइन पाई का मान 22 बटा 7 होता है, लेकिन दोस्तों जब बात आए त्रिकोणमितीय फलन की, जब थीटा की बात आती है, तो उस कंडीशन में साइन पाई का जो मान होता है वो 180 डिग्री था। कितना होता है, 180 डिग्री, याद रखना पाई का मान होता है 180 डिग्री, और ये मैं इससे काट तो 30 बार कटेगा, तो साइन 30 का मान कितना हो जाएगा दोस्तों, 1/2। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना आएगा, 1/2। ये क्वेश्चन समझ में आएगा, ये तो कर लोगे ना, 1/2, गुड, नोरथ, वेरी गुड। ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। जैसे एक और पूछता हूं, टेन पाई बाई फोर का मान क्या होगा, टेन पाई बाई फोर का मान क्या होगा। पाई का मान 180 डिग्री, और 180 में अपन किसका भाग देंगे दोस्तों, चार का भाग देंगे, तो कितना आएगा, 45। किसका 45, टेन पैंतालीस का मान कितना होता है, एक। टेन 45 का मान भी एक होता है, और कोट 45 का मान भी एक होता है, और साइन 90 का मान भी एक होता है, और कोस 0 का मान भी एक होता है दोस्तों। देखो अब आगे समझाता हूं, अब ये तीन सर्व समीका है, ये ध्यान रखना। पहली सर्व समीका इससे पूछा जा सकता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर एक होता है, ये याद रखना दोस्तों। ये सीधा सीधा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर एक होता है, ये याद रखना। बस इसमें थीटा का मान है वो दोनों जगह बराबर होना चाहिए। जैसे दो क्वेश्चन लिखवा देता हूँ, जैसे उटपटांग क्वेश्चन पूछ सकता है, 30 प्लस कोस स्क्वायर 30 बराबर क्या होगा। अब इसका मान तो हमें नहीं भी पता होता तो भी अपन इसका कर सकते थे, कैसे, क्योंकि सारणी से हमें साइन और कोस दोनों के मान पता है, तो इसका मान सीधा सीधा कितना आ जाएगा, एक। बस मैंने ये कहा है कि थीटा का मान इक्वल होना चाहिए दोस्तों। अब जैसे अजीब सा क्वेश्चन पूछे, तब जैसे क्वेश्चन आ गया साइन स्क्वायर 22.5 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 22.5 डिग्री का मान क्या होगा, ये पूछ लिया आपसे। साइन स्क्वायर 22.5 प्लस कोस स्क्वायर 22.5, तो आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर हमेशा कितना होता है, एक होता है। तो यह पहली सर्वसमीका उतार लो, पहली सर्वसमीका को उतार लो, और ये दोनों क्वेश्चन भी आप उतार लो, अच्छे से उतार लो। फिक्स है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर एक होता है, बस ये आपको याद रखना है। दूसरी सर्वसमीका जो होती है, दूसरी होती है वो क्या होती है दोस्तों, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर, मतलब ये प्लस का इधर लेके आऊंगा तो माइनस का, तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, एक होता है, ये याद रख। दूसरी सर्वसमीका, ये तीन ही होती है, बस ये तीनों याद रखनी है। दूसरी टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा बराबर एक होता है। जैसे क्वेश्चन आ जाए, जैसे क्वेश्चन सेक स्क्वायर 33.5 डिग्री, 33 सही 1/3 डिग्री, माइनस टेन स्क्वायर 33 सही 1/3 डिग्री का मान क्या होगा।
अब आपको देखने में अजीब सा लग रहा है, लेकिन आपको जब सर्व समय का याद है कि sec स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर एक होता, तो बस आंसर ही आ गया, कुछ नहीं करना। जैसे एक क्वेश्चन भी आपको एक मिल सकता है, देखना ध्यान से कि नाइन sec स्क्वायर थीटा आपकी बुक में है माइनस नाइन टेन स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा, इसको देखो ध्यान से, नाइन sec स्क्वायर थीटा माइनस नाइन टेन स्क्वायर थीटा क्या होगा। तो अब आप इसमें देखो कि अपन कुछ कॉमन ले सकते हैं क्या, देखना ध्यान से, क्या कुछ कॉमन ले सकते हैं? हाँ जी ले सकते हैं, इन दोनों में अपन 9 बार कॉमन ले सकते हैं। तो क्या हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, और आपको पता चल गया कि sec स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा कितना होता है, एक होता है। तो 9 को मैं 1 से गुणा करूंगा तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। उतार लो इसको भी, चाहे स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में आराम से उतार लेना। अब तीसरी सर्वसम्मिति का और बता देता हूं, ये होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। तो ये प्लस का इधर लेके आऊंगा तो माइनस का, तो हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर एक होता है। ये इसकी लास्ट और फाइनल सर्वसम्मिति का है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर एक होता है दोस्तों। अभी उसमें भी वैसे ही क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्वेश्चन जैसे आ जाए कि कोसेक स्क्वायर 42 डिग्री माइनस कोट 42 डिग्री का मान क्या होगा। अब आपको पता है कि सारणी से अपन 42 डिग्री का मान नहीं कर सकते, हमें इस चीज का पता है कि अपन सारणी से 42 डिग्री का मान ज्ञात नहीं कर सकते, लेकिन हमें सर्वसम्मिति का पता है कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, एक होता है। बस शर्त ये होनी चाहिए कि थीटा का मान क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, और आपको ये इक्वल ही मिलेगा कोई भी क्वेश्चन आएगा। तो ये तीनों सर्वसम्मिति का त्रिकोणमिति है, मान मैंने आज आपको बता दिया। अब त्रिकोणमिति का कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। अब कल की क्लास में अपन पढ़ेंगे ऊंचाई और दूरी के क्वेश्चन, जो अवनमन उन्नयन कोण जो जिसके क्वेश्चन आते हैं वो कल की क्लास में करेंगे। इसके बाद में आपका त्रिकोणमिति चैप्टर पूरा दोस्तों। आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत, थैंक यू।